काजल के बुरे वक्त में मिला पवन सिंह का उन्हें सहारा। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। आप सभी जानते होंगे कि पवन सिंह इन दिनों अयोध्या में हैं। अयोध्या में वो अपनी आने वाली अपकमिंग फिल्म धर्मा की शूटिंग कर रहे हैं, और आपको पता ही होगा कि धर्मा के बहुत सारे शूट हो चुके हैं, कुछ ही सीन बाकी हैं। इसके लिए काजल राघवानी और पवन सिंह दोनों अयोध्या में ही हैं। पवन सिंह तो काफ़ी पहले से हैं, लेकिन काजल राघवानी कल ही अयोध्या पहुंची हैं, और आज जो उनका शूट है वो फिल्माया गया है। और यहीं पर काजल राघवानी, जो आजकल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हैं, खेसारी लाल यादव के कुछ फैंस हैं, कुछ फैंस जो हैं वो लगातार टारगेट कर रहे हैं काजल राघवानी पर। बहुत ही बुरे बुरे कमेंट किए जा रहे हैं काजल राघवानी के कैरियर को लेकर, और ऐसे में पवन सिंह का साथ मिला है काजल राघवानी को। कहा जा रहा है कि पवन सिंह हर तरह का सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये वक्त तब का याद दिला देता है जब इसी तरह से अक्षरा सिंह भी, काजल राघवानी की तरह अक्षरा सिंह भी खेसारी से हटकर अलग होकर अक्षरा सिंह भी काजल राघवानी की तरह ही पवन के पास आई थी, और उस वक्त भी यूपी में ही पवन सिंह के फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। कुछ उस दौर का वक्त याद आ गया कि कुछ इसी तरह से ही अक्षरा सिंह काजल राघवानी की तरह ही पवन के पास आई थी, और उस वक्त बहुत बुरा कमेंट किया जा रहा था। अक्षरा सिंह को बहुत हरेश किया जा रहा था, और आज काजल राघवानी को हरेश किया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि काजल राघवानी जब पवन के पास आ चुकी हैं तो शायद किसी की मजाल होगी कि कोई उन्हें कुछ कह सके। वैसे उन पर भी कई छींटा कसी जा रही है, बहुत कुछ कहा जा रहा है। इस वक्त सब बता रहे हैं कि काजल राघवानी काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है। इंस्टा के पोस्ट से अगर उनके पता किया जाए तो आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर देखें तो बहुत कुछ ऐसा लिख रही है काजल राघवानी, जिससे पता चलता है कि वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। अपनी माँ को उन्होंने एक इमोशनल पोस्ट लिखा था, उसमें भी उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया था, जो कि किसी का नाम तो नहीं था, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिसे पढ़ने के बाद ये लग रहा था कि काजल राघवानी बहुत डिस्टर्ब हैं। अगर इस तरह की बातें हैं तो ऐसे में अगर उन्हें पवन सिंह का साथ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काजल राघवानी और खेसारी अगर आपसी सहमति से अलग हुए हैं तो उसमें किसी तीसरे का कोई हक नहीं बनता कि काजल राघवानी को ही सिर्फ भला बुरा कहें। क्या कहेंगे आप इस बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।